हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित की खुदकुशी के मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है। कल शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि दलित छात्रों पर कार्रवाई करने वाली जांच समिति के अध्यक्ष भी दलित हैं, लेकिन अब स्मृति ईरानी पर झूठ बोलने के आरोप लग रहे हैं और कांग्रेस उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रही है। The Executive Council Sub Committee, headed by a senior most professor, and here again I am compelled to report that this professor is himself from the Dalit community. It was constituted and it upheld the punishments and the recommendation of expulsion of these students. हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में सफाई देते हुए कल शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी के दलित छात्रों पर कार्रवाई करने वाली जांच समिति के अध्यक्ष भी दलित हैं। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में SC/ST स्टूडेंट वेलफेयर के डीन पी प्रकाश बाबू ने स्मृति की दलील को झूठा करार दिया है। So he is the chairman of the committee. However, as a sixth one, I was co-opted as the DSW, Dean Students Welfare, since I know the issue from the beginning. पी प्रकाश बाबू के बयान के बाद अब शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर हैं। स्मृति ईरानी को बर्खास्त करने की मांग हो रही है। जिस प्रकार से उन्होंने देश को झूठ बोला, बदनीयती से गुमराह करने की कोशिश की, इससे भाजपा और मोदी सरकार की दुर्भावना, दलित विरोधी मानसिकता, गरीब विरोधी मानसिकता साबित हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि श्रीमती स्मृति ईरानी को देश को गुमराह करने, दलित छात्र विरोधी मानसिकता के कारण फौरन अपने पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। स्मृति ईरानी जी ने जो कल झूठ बोला, गंदी जाति की राजनीति करने की कोशिश की और लोगों की, स्टूडेंट की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की, स्मृति ईरानी पूरे देश से माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो तुरंत इन दोनों मंत्रियों को अपनी यूनियन कैबिनेट से बाहर करें, स्मृति ईरानी जी को और दत्तराय जी को। आरोप लग रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की चिट्ठी के बाद स्मृति ईरानी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दलित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला था। दबाव के बाद पहले क्लीन चिट देने वाली जांच टीम ने रोहित समेत 5 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया। कल स्मृति ईरानी सफाई देने खुद मीडिया के सामने आई, लेकिन उनके बयान पर भी अब विवाद हो गया है।